भगवान बुद्ध के एक सन्यासी शिष्य थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो उसी के नीचे बैठ के भजन करते थे, ध्यान करते थे। और एक दिन दूसरा साधु उस जगह बैठ गया तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मेरी जगह पे क्यों बैठे, मेरी जगह पे क्यों बैठे, उठो यहां से। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले तुझे क्रोध ने आवेशित कर लिया महात्मा, पूर्व जन्म का स्मरण कर। उन्होंने पूर्व जन्म की साक्षी सुनाई कि पूर्व जन्म में तू हाथी था और दावानल, दावानल जानती हो, पेड़ से पेड़ घिसता है और वो आग लग जाती है, उसको दावानल बोलते हैं, पहाड़ों पे वो आग लग जाती है, बुझाना मुश्किल होता है। सारे पंछी पशु भाग रहे थे उस आग से बचने के लिए, हाथी भी भाग रहा था। भागते भागते एक जगह विश्राम के लिए रुका, उसका चरण ऊपर था तो उसके चरण के नीचे एक खरगोश आके, ये सोच के कि मैं छाया सुरक्षित जगह आ गया, वो खरगोश वहां आके बैठ गया। हाथी को ने देखा खरगोश बैठा है तो उनके चित्त में करुणा आ गई हाथी के मन में कि मैं पैर नीचे रखूंगा तो ये खरगोश मर जाएगा, तो वो पैर ऊंचा लिए खड़े रहे और उस दावा नल की आग में जलकर फंस गए। भगवान बुद्ध ने कहा उस नन्हे से जीव प्राणी के प्रति तेरे चित्त में करुणा आई, इसका प्रसाद है कि तू मनुष्य बन गया। हाथी होकर तू मरा पर मनुष्य होकर जन्मा और फिर तू साधु बना, और आज एक छोटी सी जगह के लिए क्रोध कर रहा है। अगर नन्हे प्राणी के प्रति करुणा तुझे मनुष्य बना सकती है तो मनुष्य होकर भी तू दोबारा किसी पशु योनि में जा सकता है, इसीलिए संभल, सचेत रह, सजग रह। मनुष्य जन्म में सबसे बड़ी चीज है सत्संग से जो प्राप्त होती है, और वो है चेतना। चेतना जागृत रखती है। भोले बाबा की आराधना की है सबने, और यहां सती मरण मरते समय उन्होंने शिव के चरणों का अनुराग मांगा था, इसीलिए सती मरण सन हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदे अनुरागा। और वो हिमाचल के घर में पार्वती होकर जन्मी थी। देव ऋषि नारद ने बहुत अद्भुत उपदेश दिए थे, देवी पार्वती दोबारा भगवान शंकर को प्राप्त करना तो तप करना होगा, तप तप प्रतीक्षा, बहुत सुंदर है तप की विधा, वाणी का तप, शरीर का तप, आंखों का तप, श्रवण, बुरा नहीं सुनना, अच्छा सुनना, ये तप है। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंबरा जी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।